वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा ब्यूटीफुल। तो आज मैं करने वाली हूँ एसक्यू स्टेकवर की बैडेस्ट मैट लिपस्टिक का रिव्यू। तो रिसेंटली मैंने purple.com से स्टेकवर की बैडेस्ट मैट लिपस्टिक की ये 6 शेड्स लिए हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल लिपस्टिक्स है। ये स्टेकवर के लिपस्टिक्स आपको एक्सक्लूसिवली purple.com में ही मिलेंगे और purple.com एक शॉपिंग ऐप है जिसमें आपको स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैंने इसके साथ 7 लिक्विड कलर्ड लाइनर्स भी लिए थे स्टेकवर के ब्रांड से ही। मैंने 29 मार्च को ऑर्डर किया था और मुझे रिसीव हुआ है 3 अप्रैल को। वहाँ पे आपको 20 से भी ज्यादा शेड्स मिल जाएंगे। टोटल कितने शेड्स है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो purple.com में जो प्राइस है वो अप डाउन होते रहता है। कुछ दिन पहले भी मैंने इसे ऑर्डर करना चाहा था लेकिन क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। उस टाइम में प्राइस थोड़ा ज्यादा था। फिर 2 दिन बाद मैंने जब ट्राई किया तो इसका जो प्राइस है 138 हो चुका था। मैंने उस टाइम ऑर्डर कर दिया और एक्सेप्ट भी हो गया था। तो ये ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इसमें लिखा हुआ है एसक्यू स्टेकवर के बैडेस्ट मैट लिपस्टिक। तो इसके पीछे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएगा, कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड हुआ है ये डिटेल्स लिखा हुआ है। नेट क्वांटिटी है 4.2 ग्राम, शेल्फ लाइफ है 2 इयर्स और प्रिंटेड एमआरपी है 275 रुपीज और मैंने इसे 138 रुपीज में purple.com से लिया है। और यहाँ पे शेड नंबर और शेड नेम लिखा हुआ है। तो स्टेकवर के ये जो लिपस्टिक्स लिए है मैंने, इसके सारे इंटरेस्टिंग नाम है जो अभी मैंने ले रखा है। ये है फायर अप हियर एंड डाउन बिलो। तो सभी लिपस्टिक्स के नाम कुछ ऐसे ही है, ट्रिपिंग ओवर यू, एंजल विद डेविल्स किस। तो सभी लिपस्टिक का शेड नंबर और शेड नेम आपको पैकेट में मिल जाएगा और अंदर जो लिपस्टिक है उसमें भी इसका शेड नेम लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से खुलता है, अंदर आपको ये लिपस्टिक मिलेगा। ये इस तरह के कंटेनर में आता है। ये एक बुलेट लिपस्टिक है, ब्लैक कलर का इसका पैकेजिंग है। बहुत ही क्यूट सा पैकेजिंग है, मुझे अच्छा लगा। छोटा सा है लिपस्टिक देखने में। ये सील पैक था ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन में, तो मैंने इसका सील पैक हटा दिया क्योंकि मुझे ये चेक करना था। तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आई है ये। और यहाँ पे भी स्टेकवर के बैडेस्ट लिखा हुआ है और इस लिपस्टिक के बॉटम साइड में भी इसका शेड नेम मेंशन्ड है। तो आपको इतनी क्वांटिटी मिलती है 4.2 ग्राम्स में। और जब इसे हम क्लोज करते हैं तो इससे एक साउंड आता है। तो कैप है इसका बहुत लूज भी नहीं है, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। तो ये एक मैट लिपस्टिक है, ये बहुत ज्यादा ड्राई वाला मैट लिपस्टिक नहीं है जिससे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, स्ट्रेची हो जाते हैं। ये क्रीमी मैट फिनिश है इसका, सेमी मैट कह सकते हैं। तो एप्लीकेशन में बहुत ही अच्छा है, स्मूथली लिप्स में अप्लाई हो जाते हैं, लिप्स को ड्राई नहीं करते हैं। नॉर्मली मैट लिपस्टिक अप्लाई करने के पहले लिप्स को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है, लेकिन मेरे ड्राई लिप्स है, फिर भी मैंने बिना लिप बाम के ये लिपस्टिक अप्लाई किया है और अभी 2-3 घंटे हो चुके हैं। मेरे लिप्स अभी भी बहुत ही वेल मॉइस्चराइज हैं, ड्राई नहीं हुए मेरे लिप्स। जब हम फर्स्ट इसे अप्लाई करते हैं तो एक शाइन सा आता है, लेकिन 1/2 hour या 1 hour में ये सेटल हो जाता है, पूरा मैट लुक देता है उसके बाद। तो अभी मैं आपको इसे हाथ में अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, ये स्मूथ है कि नहीं, और इसका पिगमेंटेशन कैसा है आपको वो भी पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं 1 swipe में इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ है, बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इसे अप्लाई करते वक्त। तो ये लिपस्टिक बिल्कुल भी नॉन ट्रांसफरेबल नहीं है, ये ट्रांसफर होता है जब हम पानी पीते हैं या चाय पीते हैं। तो अभी मैं आपको इसका ट्रांसफर टेस्ट करके दिखाती हूँ। और इसका स्टेइंग पावर चेक करने के लिए कल मैंने 4 PM में लगाया था रेड वाला लिपस्टिक और लगाने के बाद थोड़ा सा शाइन आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो सेटल हो गया था। उसके बाद मैंने 2 घंटे बाद चाय बिस्किट लिया, फिर 8 बजे के करीब मैंने फ्रूट्स खाए थे, फिर डिनर करने के बाद मैंने लिपस्टिक रिमूव किया है। तो 3 से 4 घंटे तक ये इजिली रहता है लिप्स में, उसके बाद ये फेड होना शुरू हो जाता है। साइड में कहीं मैं फोटो ऐड कर दूंगी 4-5 घंटे बाद, जो मैंने फोटो क्लिक किया था और रात को डिनर करने के बाद का भी फोटो मैंने क्लिक किया हुआ है। तो कल मैंने इसे 5.5-6 घंटे तक रखा है लिपस्टिक को, तो फेड होने के बाद भी जो उसका टिंट है लिप्स में रहता है, उसे रिमूव करने के लिए आपको क्रीम या फिर मेकअप रिमूवर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके बहुत ज्यादा ड्राई लिप्स है, आप फुली मैट लिपस्टिक नहीं अप्लाई कर सकते, लिक्विड लिपस्टिक आपको सूट नहीं करता है, तो इस लिपस्टिक को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि लिपस्टिक पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छा मैट लिपस्टिक है। 138 रुपीज में इसकी पैकेजिंग, नेट क्वांटिटी, टेक्सचर, स्टेइंग पावर और पिगमेंटेशन बहुत अच्छी लगी, और मेन बात यह है कि ये लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है।
आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन बाय।